करियू राम बड़ाई करही और बोलनी मिलनी बिनय मन हरही। दुश्मन भी राम जी की बड़ाई करते हैं तो सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही नृप आशीष जनु तनु धर सोही। अरे प्रभु आपके आपके चरणों का प्रताप है गुरुदेव। गुरुदेव मैं तो केवल एक ही बात जानता हूं और एक ही बात मानता हूं। गुरुदेव ने कहा क्या? बोले जे गुरु चरण रेनु सिर धरही। जो जो अपने गुरु के चरणों की रज को मस्तक पे लगाता है ना तेजनु सकल विभव बस करही, उससे फिर संसार की कोई भी सुख संपदा वैभव संपत्ति अछूती नहीं रह सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि ये आपको कैसे मालूम? बोले ऐसे मालूम कि मैंने भी वही किया है और मुझसे ज्यादा कौन जानेगा इस बात को। गुरुदेव मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, चार चार बेटे आज्ञाकारी, चार चार बहुएं आज्ञाकारी, पत्नियां सारी आचरण पुनीत है जिनका सब, और क्या चाहिए एक व्यक्ति को। मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे और सब पायउ रज पावनी पूजे। मैंने तो सब पा लिया आपके इन रज को पूजन करके, आपके चरणों की धूल से सब कुछ पा लिया गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा सब पा लिया, क्या बात है सब कुछ पा लिया, बहुत प्रसन्नता है हमें आपको सब मिल गया, ऐसा ही संतुष्ट होना चाहिए व्यक्ति को। ध्यान दीजिए गुरुदेव कह रहे हैं राजन ऐसा ही संतुष्ट व्यक्ति को होना चाहिए। तुमने कम से कम ये तो बोला कि हमने सब पा लिया, वरना सब पाने के बाद भी लोग कहते हैं कि अभी कुछ कमी रह गई। तुम ये तो कह रहे हो कि सब पा लिया, तो राजा जी कहते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, पहले पूरी बात तो खत्म होने दीजिए। बोले बोलिए आप भी बोले क्या बोल रहे हैं। बोले अब अभिलाष एक मन मोरे और पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। अब ध्यान दीजिए माताओं बंधुओं, एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं कि सब कुछ पा लिया और सब कुछ पाने के बाद भी क्या कह रहे हैं कि एक अभिलाषा बाकी रह गई। वाह साहब, जब एक अभिलाषा बाकी रह गई है तो सब कुछ क्यों पा लिया, कैसे पा लिया? कहने का अर्थ है ये सूत्र है माताओं बंधुओं, हम लोग सब कुछ भी पा लेना तो भी सब कुछ पाने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। जैसा बहादुर शाह जफर ने कहा है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, ऐसी ऐसी मन्नतें भी हम लोगों की पूरी हुई हैं, लेकिन बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। माने कितनी भी पूरी क्यों ना हो जाए फिर भी लगता है कि कम हुआ, अरे और हो जाना था और हो जाना था। ये कभी भी संतुष्टि नहीं होगी माताओं बंधुओं। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण किए हैं, जब बामन भगवान पहुंचे थे ना राजा बलि के पास, तो महाराज बलि ने यही कहा था बामन भगवान से, अरे बलि, अरे प्रभु मुनिवर आप राजा बलि के पास आ गए हैं, मांग लीजिए जो मांगना है और इतना मांग लीजिए कि यहां से बाहर जाने के बाद कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, कोई इच्छा बाकी ना रह जाए ऐसा मांगिएगा, जो जो लिस्ट बनानी हो बना लीजिए मांग लीजिए। बामन भगवान ने कहा बलि आप कह रहे हैं कोई इच्छा बाकी ना रह जाए आपसे मांगने के बाद, तो सदैव याद रखिएगा इस सारी सृष्टि की सारी संपदा, सारे सुख, सारी संपत्ति भी यदि एक साथ मिल जाए ना 14 भुवनों की, तो भी वो एक मनुष्य के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। हम संतुष्ट नहीं हो, एक मनुष्य के मन को नहीं संतुष्ट कर सकती अगर सारे तीनों लोक और 14 भुवन क्यों ना मिल जाए। तो वही बात देखिए माताओं बंधुओं कह रहे हैं अब अभिलाष एक मन मोरे। एक बार बहुत सुंदर मैंने सुना था, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जीवन का लक्ष्य क्या है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति है चरणों में, सखा परम परमारथ है वो, मन क्रम वचन रामपद नेहु, वो तो हम जानते हैं, लेकिन भौतिक जीवन का लक्ष्य क्या है। तो भौतिक जीवन के लक्ष्य में उत्तर ये आया कि भौतिक जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। हम लोग बहुत भ्रमित हैं इस लक्ष्य में, क्योंकि सोचते हैं कि ये हो जाए और जैसे ही उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है मन में आता है कि अब इससे बड़ा लक्ष्य मिल जाए, फिर उससे बड़ा लक्ष्य मिलता है तो सोचते हैं कि इससे भी बड़ा लक्ष्य मिल जाए। ये कभी अंत नहीं है इस बात का। आप देखिए ना चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी कह रहे
कि अब अभिलाष एक मन मोरे और पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार। राजन राउर नाम जस अभिमत फल दातार और फल अनुगामी महिप मनी मनो अभिलाष तुम्हार। कितनी सुंदर बात कही वशिष्ठ जी ने। कहा ऐसा है आपके अभिलाषा का फल अनुगामी है, फल प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अभिलाषा तो करिए, हम आने को तैयार हैं, आप कोई इच्छा तो करिए। जैसा कि एक शायर ने कहा है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वही इस दोहे से निकाला गया है वो शेर। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आप अभिलाषा करिए फल तैयार है, बोलिए। तो बोले प्रभु इच्छा तो केवल एक ही है। नाथ राम करिहै जुबराजु करहु कृपा करि सबै समाजु। राम को जुबराज कर दीजिए, जुबराज बना दीजिए, बस यही एक लालसा है मेरे मन में, यही एक अभिलाषा है। माताओं बंधुओं विचार करिएगा, भगवान के बाप, भगवान भी नहीं, हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे बाप हैं हम, तो भगवान के बाप चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के मन में भी एक अभिलाषा नहीं हो पाई थी पूरी। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि खुशी का वास्ता सबसे, खुशी का वास्ता सबसे दूर बस एक कदम है। हम सबसे दूर खुशी केवल एक कदम दूर है और हरेक घर में बस एक ही कमरा कम है। आप देखिए कितने बड़े बड़े घर भी आप क्यों ना बना ले, लेकिन मन में रहता है कि एक कमरा और बन जाता तो उसे स्टोर कर देते, या एक कमरा और बना देता तो उसमें गेस्ट रुक जाता, या एक कमरा और बन जाता तो उसमें बेटी के वो आ जाते रह जाते। माने कितना बड़ा भी बंगला क्यों ना हो, लगता है कि एक कमरे की कमी रह गई। और ये 99 का फेर है जो कभी पूरा नहीं होना, वो कमरा कभी नहीं बनना आप लोगों का, हमारा ध्यान दीजिए। तो ये जब चक्रवर्ती सम्राट का नहीं बन पाया वो कमरा, तो हम और आप की क्या औकात है। माताओं बंधुओं कह रहे हैं नाथ राम करिहै जुबराजु और करिए कृपा करि कहिए समाजु। पुनि न सोच तनु रहै कि जायु, तन रहू कि जाऊ, बाद में जीऊ या मरू मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि नहीं हो पाया ना तो जेहि न होई पाछे पछिताऊ, पछतावा रह जाएगा जीवन भर। मैं इस पछतावे के साथ नहीं मरना चाहता, लेकिन पछतावे के साथ ही जाना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए बार बार इसमें यही सूत्र है, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप वचन राज रजभंगा में ये सब सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। बोले जेहि न होई पाछे पछिताऊं। तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, अरे कैसी बात आप कर रहे हैं, आप भगवान के बाप हैं भाई, भगवान के पिताजी हैं, ऐसी बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। सुनु रप जासु विमुख पछिताही और जासु भजन बिनु जरनी न जाही, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, आप पछताएंगे, भगवान के पिता को कभी पछताना पड़ सकता है क्या। तो कहा अच्छा ठीक है, तो गुरुदेव ये बताइए कि कब कब कर दिया जाए राजाभिषेक, राजाभिषेक की तारीख बता दीजिए गुरुजी, ऐप से हम जन्म पत्रिका निकालने आए हैं, मुहूर्त बताइए, कोई अच्छा मुहूर्त हो तब राजाभिषेक किया जाए बताइए। ध्यान दीजिएगा, एक बार अबुल कलाम आजाद जी से पूछा गई थी ये बात, जब उनको नामांतरण करने जाना था ना, तो नामांतरण करने जाना था तो उनसे पूछा आकर के पार्टी के लोगों ने, कह रहे भाई कुछ मुहूर्त निकलवा लें आपके लिए, कोई अच्छा समय निकाल लें, आप नामांतरण करने जा रहे हैं। अबुल कलाम आजाद जी ने कहा था माताओं बंधुओं कि जब तक सूर्य समय पे अपनी परिक्रमा कर रहा है, जब तक चंद्रमा समय पे अपनी परिक्रमा कर रहा है, जब तक पृथ्वी माता समय पे अपनी गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, जब तक नौ ग्रह समय पे अपने हिसाब से घूम रहे हैं ना, तब तक सब कुछ सही चल रहा है, तब तक कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, तब तक समय सही है। हालांकि ये बात वामपंथी सुनाई जरूर देती है, लेकिन कहने का अर्थ ये है भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक ने कही बात का मुहूर्त, जासु सकल मंगलमय की थी
तासु पयान सगुनिया नीति, वो तो भगवान है हमारे। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी का राज्यभिषेक कब करना है, बेगी विलंब न करिए नृप, बेगी और विलंब ना, ध्यान दीजिएगा दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है, बेगी करिए और विलंब ना करिए। विलंब ना माने भी जल्दी और बेगी माने भी जल्दी, माने जल्दी 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 करिए, देर मत करिए, जल्दी जल्दी करिए। आप लोग एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं ना माताओं बंधुओं कि अरे चक्रवर्ती सम्राट के मन में कोई खोट रही होगी, ऐसी बहुत बात सुनने में आती है, इसीलिए तो उन्होंने भरत जी को भेज दिया था ननिहाल, कोई खोट होगी उनके मन में। अरे भाई अगर घर में बर्थडे पार्टी भी होती है तो हम लोग सारे परिवार को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, चाहे कोई कहीं से भी हो, कोई छोटा सा आयोजन भी करते हैं तो सारे परिवार वालों को बुलाते हैं कि नहीं। तो इतना बड़ा राज अभिषेक हो रहा है, चक्रवर्ती सम्राट को इतना नहीं लगा कि भरत जी को बुला ले कई कई राज से, इसका मतलब जरूर कोई खोट होगी। लेकिन आप एक बात बताइए, अरे भाई खोट होती तो भरत जी को बुलाना तो दूर, पहले माता केकई को भी वो भेजते इसी बहाने से, केकई माता तो वहां बैठी ही थी जिनसे वचन हुआ था, नंबर एक। और दूसरी बात, जब मुहूर्त निकालने की बात आई तो वशिष्ठ जी ने कहा जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अब बताइए कहां समय था, अगर वो कोई तारीख देते कि आज से 10 दिन बाद तो पत्रिका छापी जाती, तब बुलाया जाता लोगों को, अगले दिन का समय है ये, तुरंत कल आज शाम तक जितनी तैयारी हो जाए हो जाए, कल सुबह से राज अभिषेक की परिपाटी रची जाएगी। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वही दिन सुदिन है, वही घड़ी सुमंगल है जब राम जी का राज अभिषेक होगा। वाह, राजा जी प्रसन्न हो गए, दौड़े भागे, भाग के आए, सारे मंत्रियों से कहा देखो ऐसा है ऐसा है, मैं राज अभिषेक करना जा रहा हूं। फिर देखिए लोकतंत्र, लोकतंत्र का आप तस्वीर देखिए, चरित्र देखिए, चरित्र चरित्र नहीं चरित्र देखिए, आप फोटो देखिए लोकतंत्र की। चक्रवर्ती सम्राट की गुरुजी से बात हो गई थी, बस बात खत्म, राजा और गुरुजी दोनों तैयार हैं तो किसी और से पूछने की क्या आवश्यकता है। लेकिन लोकतंत्र का यही यही खूबसूरती है, यही सुंदरता है, प्रजा से पूछना आवश्यक है, मंत्रिमंडल से पूछना आवश्यक है। माताओं बंधुओं अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, माने बिना, एक बात सदैव समझ लीजिए, कोई भी सरकार हो वो जनता के लिए होती है, जनता कभी भी सरकार के लिए नहीं होती है, ये बात समझिए। तो यहां पर भी यही हुआ, सरकार जनता के लिए थी, राजा ने पूछा कि मैं ऐसा कर दूंगा गलत तो नहीं होगा, मेरे और गुरुजी की चर्चा तो हो चुकी है, लेकिन मुदित मभी पति मंदिर आए और सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, बोले जाओ पांच ही मत लागे निका, तो करूं हरष ही राम ही टीका। अगर आप सबको पसंद हो, आप लोग माने तो मैं कर दूं राज अभिषेक कर दूं। वाह, मंत्री तो प्रसन्न हो गए, क्या बात कर रहे हैं राजा जी, इतनी सुंदर बात, राम जी हमारे राजा बन जाएंगे, हमारे देखते देखते राजा बन जाएंगे। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी और अभिमत बिरओ परे जनु पानी, बोले जग मंगल भल काज बिचारा और बेगी नाथ न लाई बारा। तुरंत करिए राम जी को राज्याभिषेक, तुरंत करिए, हम सब आपके साथ हैं। तुरंत का ऐसा है कि मैं आपसे केवल यही सलाह लेने आया था और मुनिराज ने पहले से आज्ञा दे दी है, सबका काम बांट दिया है, आप जाके मुनिवर से मिल लीजिए सब लोग और अपने अपने काम पे लग जाइए, ताकि तब तक हम जितने लोगों को बुला सकते हैं आजकल में वो सब बातें हो जाए। तो कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। करो करो सब लोग करो, मैं भी जा रहा हूं अपने काम में। अब माताओं बंधुओं धीरे 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 सारी प्रजा में ये बात फैलने लग गई, राम जी का राज अभिषेक होना है, राम जी का राज अभिषेक होना है। वाह, सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग प्रसन्न हैं। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, सारी प्रजा सोच रही है कि राम जी का राज अभिषेक होगा, तो सारी प्रजा ये सोच रही है कि कल होगा,
काली लगन भर के तिकबारा। कितना टाइम हुआ कल होने में भी? तो अभी तो आधा ही घंटा बीता है, अभी 15-45 मिनट हुए। माने एक दिन उनको भारी हो रहा है अयोध्या वासियों को। काली लगन भली के तिकबारा और पूजी विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता बैठ ही राम होई चित चेता। और सकल कहीं कब होई काली? कब होगा ये कल? ये कल क्यों बनाया भगवान ने? आज ही क्यों नहीं हो सकता था? सकल कहीं कब होई काली? लेकिन दूसरी तरफ विघ्न मना वही कपट कुचाली। दूसरी तरफ षड्यंत्र प्रारंभ था। राम जी का राज अभिषेक हो रहा है, राजा बन जाएंगे राम। अरे ऐसा कैसा हो सकता है जी? हमसे तो कुछ और बात की थी उन्होंने, अभी सिंहासन पे बैठने जा रहे हैं और सारे अयोध्या वासी इस प्रकार से प्रसन्न हैं। तो तिन्ही सुहाइन अवध पधावा, क्योंकि चोर ही चंदनी रात न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं है ना, उसी प्रकार से उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ये राज्याभिषेक। लोगों की प्रसन्नता पसंद नहीं आ रही थी लोगों को, माताओं बंधुओं देवताओं को। एक बात समझ लीजिए, माताओं बंधुओं ये जितनी व्यवस्थाएं हैं ना, ये सज्जन लोगों के लिए है, चोरों के लिए नहीं है। भाई ये लाइट लगी यहाँ पे सब जगह, 24 घंटे की व्यवस्था है कई शिविरों में। दिन में लाइट नहीं रहती तो प्रकाश रहता है सूर्य भगवान का, रात में बिजली चली आ जाती है 5 बजे से। ये सज्जन लोगों के लिए, चोर तो यही चाहेंगे कि कब 1 घंटे के लिए लाइट कट जाए मेले में और हम कितना यहाँ से लेकर के चंपत हो जाए दुकानों से। भाई सड़कें बनी है 4 लेन 6 लेन, ये सज्जनों के लिए ही तो बनी है। चोर तो चाहता है कि बीहड़ जंगल कितना हो कि मैं कूद फांद के निकल जाऊं, वो ये थोड़ी चाहेगा कि बड़ी बड़ी सड़कें बने, लाइट हो और पानी हो। ताला तो लगा है सज्जनों के लिए, तोड़ तो हथौड़ी लेके और सब लेके घूम ही रहा है। एक आपको सच घटना बताऊं तो, एक प्रदेश की घटना है, वहां के मंत्री जी पहुंचे वहां पर, बिल्कुल सत्य घटना है। तो पहुंचे तो जनता ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ सड़क क्यों नहीं बन रही है? आप काहे बात के मंत्री हैं, सड़क बनवाइए जल्दी, यहाँ पर हम लोग परेशान हैं। तो मंत्री जी ने कहा ऐसा है भैया कि सड़क तो मैं बनवा दूं कल और 2 दिन में सड़क बनके तैयार हो जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो पुलिस यहाँ 2 घंटे में आती है ना अंदर तक, वो आधे घंटे में आप लोगों के पास आ जाएगी। तो क्या बनवाऊं सड़क? तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हमको सड़क नहीं बनवानी, रहने दीजिए, पुलिस आराम से आने दीजिए। ये सत्य घटना है एक प्रदेश की, नाम नहीं ले रहा हूं। तो कहने का ये अर्थ है कि ये सब चोरों डकौतों के लिए अव्यवस्था है, सज्जन तो व्यवस्था चाहता है अच्छी हो। यहाँ पर गोस्वामी जी देवताओं को भी चोरों की उपमा दे रहे हैं कि ये प्रसन्नता अच्छी नहीं लग रही, ये प्रसन्नता अच्छी नहीं लग रही इन देवताओं को। तिन ही सुहाइन अवध बधावा और चोर ही चांदनी रात न भावा। तो क्या किया? जा करके माता सरस्वती के चरणों में गिर गए। अरे माता, अरे माता, अरे मदद कर दो, मदद कर दो, माता आपसे निवेदन है मदद कर दो। तो माता ने कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, हम ये कोई मदद, ये ऐसी मदद हम नहीं कर सकते, भगवान राज अभिषेक पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मदद कर दो, ये नहीं होगा हमसे। बार बार कही चरण संकोची, सब लोग संकोच में डाल रहे हैं, करना क्या है ये तो बताओ। माता सरस्वती से कहते माता विपत्ति हमार बिलो की बड़, मा तू करिए सोई आज कि राम जाही बन राज तजी तो हो ही सकल सुर काज। बस राम जी राज छोड़ के चले जाएं, हम लोगों का काम बन जाएगा, चले जाएं बस। तो माता ने कहा अरे राम जी को तुम्हें मालूम नहीं है कल उनको राज अभिषेक के लिए कहा गया है, थोड़ा 4 दिन पहले नहीं आ सकते थे? अरे भाई इस घोषणा होने से पहले नहीं आ सकते थे आप हमारे पास कि उनको वनवास भेजना है तो हम कुछ बनाते प्रयोजन? अब जब उनको राज अभिषेक करने की बात आ गई तब आकर के कह रहे हैं कि अब राज अभिषेक नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई ना कहा हो किसी बात को तो वो बात ना हो तो दुख नहीं होता, राज अभिषेक के लिए ना कहा जाता और तब वनवास दे दिया जाता तो कोई दुख नहीं था। अब उनको अगले दिन राज अभिषेक होना है उनका और आप आज हमसे कह रहे हैं कि अरे ऐसा कर दीजिए उनको वनवास किसी प्रकार भेज दीजिए, ऐसा नहीं कर सकती मैं, ये सब गलत बात है। क्यों? कहा राम जी को कैसा लगेगा बताओ, चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले उनको कैसा लगेगा?
तो देवताओं ने कह रहे कैसी आप बात कर रही हैं, आप भी कहीं उनके उस रूप को उनकी लीला को देख करके मोहित तो नहीं हो गई माता? अरे ये सब लीला चल रही है, वो इन सब बातों से दुख सुख से परे हैं, वो परब्रह्म श्री राम हैं, उनको आप मनुष्य वाले राम जी मत समझ लीजिएगा, उनको कोई दुख नहीं होना। विस्मय हर्ष रहित रघुराव और तुम जानो सब राम प्रभाव। वो तो विस्मय और हर्ष से परे हैं वो राम जी, आप नहीं जानती क्या ये बात? तो माता सरस्वती ने कहा हाँ जानती हूँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं जानती हूँ ये बात। वैसे राम जी विस्मय और हर्ष से रहित है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देवताओं। तो जैसे राम जी विस्मय हर्ष से रहित हैं देवताओं, वैसे ही माता कौशल्या भी विस्मय हर्ष से रहित होंगी। क्यों? अयोध्या वासियों को भी कोई दुख नहीं होगा, चक्रवर्ती सम्राट भी विस्मय और हर्ष से रहित होंगे, वो भी संभाव में रहेंगे, इन लोगों को भी कोई दुख नहीं होगा। अरे देवताओं, सारी अयोध्या धाम पे क्या बीतेगा ये तो सोचो, राजा जी पर क्या बीतेगा ये तो सोचो, माता कौशल्या पे क्या बीतेगा ये तो सोचो। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा है, बीतेगा हम जानते हैं, इन लोगों के ऊपर खूब बीतेगा, लेकिन माता माता आप भूल गई शायद, आज आपको इनके दुख पे चिंता हो रही है कि इनको कितना दुख होगा, इन पर क्या बीतेगी। माता जरा याद करिए, इनसे ज्यादा सुख भी संसार में किसी ने लिया है क्या? आप बताइए, इन लोगों जिनका आप नाम ले रहे हैं माता, इनसे ज्यादा भाग्यशाली भी संसार में कोई हुआ क्या? कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ यह है माताओं बंधुओं कि जितना ज्यादा आप सुख के बारे में सोचेंगे ना, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, तो ध्यान दीजिएगा जितना आप सुख आपके पास आएगा उतने ही दुख के लिए भी तैयार रहिएगा, जितनी संपत्ति आएगी उतनी ही चिंता के लिए भी तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तो 10 माले की अपार्टमेंट बनाएंगे, भूकंप आएगा तो 10 माला उजड़ गया 50 करोड़, और एक झोपड़ी छोटी सी बनाएंगे तो भूकंप आया तो 1000, 10000, 5000 की बात है, कोई बात नहीं चला गया। माने जितना आता है ना, वैसे तो इसका अर्थ अलग है, लेकिन कुछ विद्वान ये भी अर्थ करते हैं, सुखे दुखे समय कृत्या लाभा लाभ हो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि ये सब भगवान सम देते हैं संभाव में, जितना सुख देंगे उतना ही दुख भी देंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए। यही कह रहे हैं अयोध्यावासी कि माता बहुत आपको आज लग रहा है माता कौशल्या बहुत रोएंगी, ऐसा लग रहा है क्या? तो बोले हाँ। तो बोले माता वो भी याद करिए, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। उन कौशल्या माता ने उन पर ब्रह्म को गोद में भी खिलाया है, ये सुख किसी और को मिलेगा क्या माता? और आप कह रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर क्या बीतेगी? भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख और बादी जानी जन्म निज बादी। देवता आज उनके सामने अपने जन्म को व्यर्थ समझ रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट के, तो वो सुख भी देख लीजिए। और आप क्या कह रहे हैं कि अयोध्यावासी बड़े दुखी हो जाएंगे? माताओं बंधुओं, उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद अज रघुनायक जहभूप। जिस अयोध्या के साक्षात भगवान श्री राम जहां पे भूप बन के आए हो, रघुनायक बन के आए हो, उन अयोध्या जी के भाग्य की कोई बात कर सकता है माता? और आप कह रहे हैं कि इनके दुख, तो इनके सुख को भी देख लीजिए। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जैसा सुख है वैसा ही दुख भी झेलना है, ये सब कर्म गति है। तो जाइए अवध देव हित लागी, जाइए जाइए, अब आपको देवताओं के लिए इतना करना पड़ेगा। तुम माता पार्वती माता सरस्वती सोच रही हैं कि ऊंच निवास
नीच कर तूती और देखी न सकी ये पराई विभूति। देखो तो इन बड़े बड़े लोगों को, एक बात और आपको बता दूं, बड़े लोगों में जलन ज्यादा होती बजाय छोटे लोगों के, क्योंकि बड़े लोगों में बड़े होने का एक दंभ भी होता है, एक अभिमान भी होता है, वो सोचते हैं हमसे बड़ा ना हो जाए। और छोटे लोग तो अपने से न जाने कितने बड़ों को देखे ही हैं, तो उनको उस बात का दंभ नहीं आता, उस बात की जलन नहीं होती। तो देखिए, देखी ना सकई पराई विभूति, ज्यादातर बड़े लोग ऊंच निवास तो होती, लेकिन देवताओं के लिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे रहते हैं और करतूत करते हैं नीचे, इतनी छोटी करतूत कर रहे हैं ये लोग। लेकिन सोचा ठीक है, आगी काज बिचारी बहोरी और करी है चाह कुशल कवि मोरी। माताओं बंधुओं, माता सरस्वती सोच रहे हैं कि कभी मुझे जरूर बख्श देंगे, मेरी कोई गलती नहीं है, ये बात जानते हैं। इस तरफ से देवताओं ने मुझको प्रेशर में डाला, देवताओं ने दबाव बनाया है माताओं बंधुओं। और दूसरी बात कि भगवान श्री राम वनवास नहीं जाएंगे तो संतों की रक्षा कैसे होगी, ये समझ के भी हो सकता है मेरे लिए कोई बुरी बात ना कहे कोई, तो क्या किया, अब माता सरस्वती पहुंची। ध्यान दीजिएगा, तो माताओं बंधुओं जाके पहले तो उन्होंने खोजा माता सरस्वती ने कि कौन ऐसा उपयुक्त व्यक्ति है जिस पर जाकर मैं चढ़ूं, जिससे मैं अपना काम बनवाऊं। तो जब जाकर के देखा कि किससे अपना काम बनवाऊं, तो बहुत खोजबीन करने के बाद भी अयोध्या धाम का तो कोई नागरिक मिला ही नहीं, अयोध्या वासी तो कोई मिला ही नहीं। खोजबीन कर मिली अयोध्या जी में रहने वाली, जो अयोध्या वासी नहीं है, कौन, नाम मंथरा, नाम मंथरा मंदमती। देखिए नाम भी मंथरा, मंथरा माने मंथर, मंथर माने जड़, जड़ मंथरा, और काम भी मंथरा मंदमती। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, और चेरी किसकी है, के कई माता की। ध्यान दीजिए, के कई माता भी, ऐसा क्यों लिखा चेरी के कई केरी, और कोई नहीं लिख सकते थे क्या। ध्यान दीजिए, वो इसलिए लिखा कि जैसी माँ वैसी बेटी। भाई ध्यान दीजिएगा, केकई राज को वरदान था माताओं बंधुओं कि वो जानवरों से बात कर लेते थे, जानवरों से बात कर लेते थे, लेकिन शर्त ये थी कि जो बात वो कर ले या सुन ले वो किसी को बता नहीं सकते, बता नहीं सकते थे। तो हुआ क्या कि भाई एक बार वो बालकनी में खड़े थे और सुख सारी का बात कर रहे होंगे, अपने कुछ पर्सनल बात कर रहे होंगे, तो इन्होंने सुना तो हंस दिए केकई राज। तो जो धर्म पत्नी जी थी उन्होंने कहा क्या सुना आपने, क्या बोला उन्होंने बताइए तो, क्या बोला उन्होंने। तो केकई राज ने कहा अरे अरे देवी तुम जानती हो कि मैं नहीं बता सकता, मेरे साथ शर्त है कि अगर मैंने ये बात बता दी तो मैं उसी समय भस्म हो जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता वो बात जो कर रहे थे।